हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जब से सीयूटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को कोर्स को हम लोगों ने लॉन्च किया है, तब से गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र बड़े ही परेशान हो गए हैं कि हमारा कोर्स सर लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, जो कारनामा हम लोगों ने पिछले सेशन में करके दिखाया था वो कारनामा इससे डबल करके दिखाएंगे हम लोग। तो हमको पता है कि भैया गोरखपुर यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि टारगेट गुरुकुल वाले कोर्स लॉन्च करेंगे तभी हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो उनको भी सारी चीज़ें पता है तभी वो इतना वेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शुभम सर को हम इन्वाइट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएं, कैसे क्या कोर्स डिस्कशन होगा, कैसे क्या कोर्स को लॉन्च किया जाएगा। तो शुभम सर प्लीज़ कम। बिल्कुल सर, माइक दीजिएगा सर। और ऊपर दिक्कत सर ये अच्छी बात ये लग रही है मैं यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स है ना वो सब मतलब अभी तक इंतजार कर रहे थे, मतलब कि वो जानते हैं ना सर बिल्कुल बिल्कुल कि हम लोगों से बेस्ट कोई है नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि वो पिछले साल का रिजल्ट हम लोग का देखे हुए हैं। एक बार समय सारी चीजें छोड़ के एक बार मतलब वो जो स्टूडेंट ने टारगेट गुरुकुल को एक नाम दिया, एक पहचान दिया, उनको हम स्क्रीन पे लाना चाहेंगे। और इस हर साल के बाद इस साल भी इन लोगों के साथ हमारा जो मीटअप है ना वो साथ होने वाला जल्दी। जितने भी टॉपर जितने बच्चे ने ये एक पहचान दी टारगेट गुरुकुल को, एक हम लोग का जो मेहनत था उसको रंग जो दिया, कलर से भरा हुआ है वो सब कुछ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15वीं रैंक, 8वीं रैंक, 5वीं रैंक, पहली रैंक, तीसरी रैंक, ये जो भी रैंक होल्डर रहे हैं ये सभी जो छात्र, इनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी धन्यवाद के बाद जो आप लोग यानी जो नए छात्र जो 24 में एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपने एंट्रेंस एग्जाम को देंगे, उनके लिए भी बहुत बहुत हमारी आशाएं उम्मीदें आपसे हैं और आपकी उम्मीदें हमसे होंगी। ठीक है सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा बच्चों से, जो आप लोग ये देख रहे हैं ना पोस्टर, ये कोई मामूली बच्चे नहीं है, इन्होंने कड़ी मेहनत करके यहाँ तक ये पहुँचे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे जिनका पोस्टर लगा है, जैसे ये शैलेंद्र, आदर्श सौरभ तिवारी, ये बच्चे हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी दिए हैं, बच्चे लगन से काम किए हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं 4 से 5 महीने में, तब ये रिजल्ट आया है। ऐसे ही नहीं, हम लोग बातें नहीं करते, रिजल्ट बोलता है हमारा। बिल्कुल सर। हाँ सर, सबसे अच्छी बात हमें बच्चों की इस बार ये लग रही है कि मतलब काफ़ी एक्साइटेड इस बार का जो बैच है ना, काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है, क्योंकि अभी देखिए 200 से 300 बच्चे जो आपके व्हाट्सएप पे हैं वो परेशान है सर, कब बैच आएगा। ऑलरेडी सर अभी तो हम लोगों ने कोर्स लॉन्च नहीं किया है और 250 बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में। बिल्कुल सर, बस यही भरोसा जो होता है ना बच्चों का, यही हम लोग के लिए कुछ करने की और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जो एक मजबूरी होती है, जो हम लोग की एक आदत बनाता है, बस यही है। जो यहाँ पे जो टॉपर है बच्चे ये मोटिवेट करते हैं कि सर अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो ये जो रिजल्ट है वो बोलेगा, है ना। तो बिल्कुल सर, हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे। हम चाहेंगे बच्चों को देर ना किया जाए, जिस चीज़ का ये लोग इंतजार कर रहे हैं उस इंतजार की घड़ी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में बोलना चाहूंगा, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के बाद अब आप लोग की गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए जो बैच है वो लॉन्च हो रहा है, ये लॉन्चिंग वीडियो आपकी होने वाली है। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा पहले वो जान लो। ठीक है, इसमें आपको A to Z जो बैच होता है, कैसे टारगेट गुरुकुल प्रिपरेशन कराता है एंट्रेंस एग्जाम की, बच्चा एकदम इंटर पास किया है या फिर इंटर में पढ़ रहा है, दोनों लोग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या प्राइस रहती है, कितने यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए जाते हैं, किस लैंग्वेज में बैच पढ़ाया जाता है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ठीक है, आप समझ गए वीडियो क्यों देखोगे, आप क्यों देखना इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो अभी आप यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो बैच है, बैच का नाम है आरंभ, क्योंकि हम लोग यहां से क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम का आरंभ करेंगे, तैयारी का आरंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे, है ना। तो यानी कि आरंभ जो बैच है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है पहले वो चीज आप देख लो। ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट है कि अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में यानी इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन गोरखपुर यूनिवर्सिटी, अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये जो आरंभ बैच है ये आपके लिए है और यही आपका एक लास्ट ऑप्शन भी है। ठीक है, उसके बाद इफ यू वांट टू क्रैक DDU एंट्रेंस एग्जाम 2024 विद टॉप रैंक, यानी आप चाहते हो कि एडमिशन तो हो जाएगा, मान लो मैं आरंभ बैच ज्वाइन कर लूंगा या फिर मैं केवल यूट्यूब पे वीडियो के पढ़ लूंगा टारगेट गुरुकुल से तो मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन अगर चाहते हो टॉप रैंक के साथ, जैसे मैंने अभी बोर्ड पे पैनल पे दिखाया आप लोगों को रिजल्ट, उस रैंक के साथ आप लोग चाहते हो कि यहां पे क्रैक करना एंट्रेंस एग्जाम को, तो फिर ये आरंभ बैच आपके लिए है। अगर आप लोग को कोई आइडिया नहीं, एनीवन हु नो आइडिया ऑफ DDU एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस पैटर्न सिस्टम एडमिशन प्रोसेस, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है आपको DDU के बारे में, तो भी आपके लिए आरंभ बैच है, क्योंकि यहां पे A to Z इंफॉर्मेशन के साथ पूरी तैयारी हम लोग करवाते हैं। ठीक,
चलिए बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं और यहाँ पे जो अपडेट है वो हम लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी पहली स्लाइड है वो यहाँ पे दिखाएगी कि कौन कौन से कोर्स जो होते हैं वो इस बार हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है सर, यहाँ पे आरंभ बैच में कौन कौन से कोर्सेज कवर होंगे पहले वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए कोर्स बताने से बता दें कि यहाँ पे जो लिखा है ना, बैच इज अवेलेबल इन बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, यानी कि टारगेट गुरुकुल, यानी जो हम लोग की सभ्यता है, जो हम लोग की परंपरा है, उसको हम लोग साथ लेकर चलते हैं और जो इस बार बच्चों की रिक्वायरमेंट रहेगी हम उसको पूरा एक अच्छे से, पिछले साल जो गड़बड़ी हुई थी एक लैंग्वेज में क्लासेस चली थी, बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए थे, इस बार वो सारी समस्याओं को देखते हुए जो बैच है वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी जो उसमें PDF मिलेगा, नोट्स मिलेंगी, क्लासेस रहेंगी, PPT रहेंगी, वो सब कुछ इंग्लिश और हिंदी में होगा। ठीक है, आप लोग जैसे ही देखोगे ना, अभी डेमो बताऊंगा कैसे आप डेमो देखोगे, आपको हर सब्जेक्ट की 3 से 4 क्लासेस फ्री रहेंगी कि आप चेक कर पाओगे कि कैसे क्लासेस चलती हैं, कैसे PDF मिलते हैं, कैसे नोट्स मिलते हैं, टेस्ट कैसे रहते हैं, वो सब कुछ आपको देख पाओगे एप्लीकेशन के माध्यम से, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप BA का कोर्स, BA की तैयारी करना है, आर्ट में BA, BSc मैथ बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ठीक है, और आपका कॉमर्स में BCom, लॉ में LLB और BA LLB, और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में BBA BCA और MCom और BTech। इस बार 2 नए कोर्सेज लेके हम चल रहे हैं क्योंकि पिछली बार ये बच्चे काफ़ी परेशान थे, इनको कोई गाइड करने वाला पूरे YouTube पे कोई नहीं था। ठीक है, तो क्या है कि अगर आपको BA में एडमिशन लेना है, BSc मैथ बायो AG में लेना है, BCom में लेना है, BA LLB BBA BCA या फिर MCom और BTech जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तैयारी करनी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, तो ये बैच आपके लिए है। ये सारे बैचेज बाइलिंगुअल हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सर अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो आप लोग के DDU एंट्रेंस के लिए जो बैच है, यानी बैच डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। इस बैच में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या चीज़ें हमें इस लेने के बाद इसमें जो हमें फीचर है वो क्या क्या मिलने वाले हैं, तो उस चीज़ को देखने के लिए आप हम स्लाइड को अगली स्लाइड में चलेंगे। तो यहाँ पे जो बैच है उसकी सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सारी जो डिटेल है वो आपके पूरे स्क्रीन पे हमने यहाँ पे लगा दी है, जिससे किसी बच्चे को ये डाउट ना हो कि सर बैच में क्या क्या मिलने वाला है क्या नहीं, वो सब चीज़ें आप जान जाओगे। अगर इंपॉर्टेंट बैच आपको लगता है तो आप बैच के थ्रू जा सकते हो प्रिपरेशन करने के लिए। कंप्लीट DDU एंट्रेंस सिलेबस कवर्ड, यानी कि कंप्लीट जो DDU एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होगा पूरा इस बैच में कवर किया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। आपको पता है जो आपका पैटर्न होता है वो आपका 11-12 से क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा 11-12 एकदम इतना बेहतरीन तरीके से कंपटेटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हमारा रहता है ये है कि 6 डे ऑफ शेड्यूल रिकॉर्डेड क्लासेज विद इन 3 क्लासेज पर डे वन ऑन दी टारगेट गुरुकुल ऐप, यानी कि जो आप लोग की 6 दिन आपके वीक में 6 दिन क्लासेस चलेंगी। ठीक है, पर डे जो होगी 3 क्लास आपको मिलेगी, यानी कि पर डे आपको 3 क्लास दी जाएगी, 6 दिन क्लासेस चलेंगी। संडे को, यानी कि आपका जो संडे होगा इस दिन आपकी क्लासेस क्लोज रहेंगी, यानी कोई भी क्लास संडे को आपको नहीं चलेगी। संडे को जितने भी आपके टेस्ट होंगे, जितनी आपकी DPP रहेगी, कोई क्लास अगर आपसे छुट्टी है वो सभी क्लास, DPP और जो आपके टेस्ट हैं वो सब कुछ आप लोग कवर करोगे। संडे को कोई भी आपका जो क्लासेज हैं, जो PDF हैं, टेस्ट हैं, वो सब कुछ आप एक रेगुलर फॉर्म में आ जाओगे। ठीक है, इसे संडे को आपको गैप दिया जाएगा। ठीक, PDF नोट्स ऑफ ईच क्लासेस विल अपलोडेड इन आरंभ बैच, यानी कि जो भी PDF नोट्स होंगे, जो टीचर पढ़ाएगा उसका जो नोट्स होगा, वो सभी जो नोट्स होंगे वो आप लोग को टारगेट गुरुकुल ऐप में आरंभ बैच में आप लोग को अपलोड कर दिए जाएंगे। हमारा सजेशन हर साल की भांति इस साल भी रहेगा कि नोट्स बच्चा खुद बनाए। अगर 70 क्लासेज आपकी मान लीजिए मैथ में चली हुई हैं, तो 70 क्लासेज का नोट्स जो होता है, एक आपकी जो एंट्रेंस की एक नोटबुक बनाओगे, और पूरी क्लासेज जो मान लीजिए अगर आपका आर्ट है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी के अगर 80 क्लासेज चल चुके हैं तो 80 क्लासेज का नोट्स आप बना लोगे, जिससे कि रिविजन करने में लास्ट समय में आपको क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, टीचर तो नोट्स बना के देगा, हो सकता है वो नोट्स आपको समझ में नहीं आए, आपको रिविजन करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो टीचर के नोट्स के साथ साथ अपना भी नोट्स आपको बनाना है। यहाँ पे डेडिकेटेड फैकल्टीज फॉर सॉल्विंग डाउट थ्रू वीकली लाइव टेस्ट, यानी जो आप लोग लाइव क्लासेज होंगी ना सर, वो भी जो फैकल्टी होगी जो आपको पढ़ा रही है बैच के अंदर, मान लीजिए आपको मैथ ज्योति मैम पढ़ा रही हैं, मान लीजिए फिजिक्स आपको सिद्धार्थ सर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जियोग्राफी आपको प्रयाग सर पढ़ा रहे हैं, रोहित सर पढ़ा रहे हैं, कोई भी आप टीचर पढ़ा रहा है, तो जो आपका लाइव क्लास होगा वही टीचर आपको लाइव क्लास में आके जो भी डाउट सब्जेक्ट से संबंधित रहेंगे वो आपको देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आफ्टर वीडियो क्लासेज, यानी कि जैसे ही आप लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है उसी प्रकार से आपको जो प्रैक्टिस, यानी जो आपकी DPP है वो आपको दी जाती है, जिससे कि आपको चैप्टर जो होता है वो अच्छे से आपको कंठस्थ हो जाए, आप लोग जो चैप्टर उसको अच्छे से रिवीजन कर पाओ, इसलिए चैप्टर का हम लोग PDF में DPP देते हैं, जिससे क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं चैप्टर से वो क्वेश्चन आप पहले से प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है,
अब बोले सर बस इतना अभी फीचर, तो आपने चार पांच फीचर बताया, पांच फीचर अभी कहाँ, अभी सब्र है, सब्र करो, यहाँ पे देखो अभी फीचर पे फीचर आपको मिलेंगे, क्योंकि टारगेट गुरुकुल जाना जाता है आपको मस्ट एफोर्डेबल बहुत ही मिनिमम प्राइस में इतने ज़्यादा फीचर को देने के लिए। यानी कि यहाँ पे आप देखिए फीचर जो आता है वो छठा फीचर क्या यहाँ पे हमारा रहता है कि सब्जेक्ट वाइज DDU एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट, यानी DDU का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी बेस्ड पे यहाँ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है। मतलब मैथ का अलग टेस्ट होगा, फिजिक्स का अलग टेस्ट होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, जूलॉजी का अलग होगा, बॉटनी का अलग होगा, और वहीं पे आपका लॉ का लीगल का अलग टेस्ट होता है। मतलब सब्जेक्ट वाइज हम लोग टेस्ट सीरीज भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, और मंथली वाइज सिलेबस बेस्ड टेस्ट, यानी कि मंथली, यानी जैसे एक महीना कंप्लीट हुआ तो आपको मंथली जितने भी टीचर अपना सिलेबस कवर किया है वो बताएगा, और टीचर खुद अपना टेस्ट डिजाइन करता है और मंथली टेस्ट आपका लेता है कि एक मंथ में आप कितने इंप्रूवमेंट पे हो, क्या चीज़ें आपके अभी माइनस हैं, क्या प्लस हैं, वो चीज़ें आप देख पाओगे। ठीक है, मतलब सब मिला के आरंभ बैच का मतलब ये है कि आप एक शुरुआत करोगे, आरंभ करोगे, मतलब अगर आप कंफर्टेबल जोन में हो तो आपको अनकंफर्टेबल जोन में ले जाकर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप तैयार हो कि कंफर्टेबल जोन से बाहर आने के लिए तो आरंभ बैच आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका आठवां फीचर है स्पेशल पेड टेलीग्राम ग्रुप, यानी कि आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप मिल जाता है जिससे कि एक माहौल आपको बन जाएगा। मतलब पढ़ने का क्या है, ऐसे तो आप खुद भी पढ़ाई कर सकते हो, खुद भी तैयारी कर सकते हो, आप यहाँ टारगेट गुरुकुल के पास क्यों आए हो, आरंभ बैच के पास क्यों आए हो, क्यों, क्योंकि आपको माहौल चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। जैसे ही आपको यहाँ पे पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा तो आपको एक माहौल मिल जाएगा, अपने कंपटीटिव जो आपके कंपटीटर रहेंगे, जो आपके क्लासमेट रहेंगे, उनके साथ पढ़ोगे, देखोगे उनको कितना जल्दी समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मैं पीछे हूँ इन लोगों से, क्योंकि कंपटीशन तो उन्हीं लोगों के साथ आपको देना है। ठीक है, तो वो माहौल आपको हम देंगे। ठीक है, कंप्लीट मेंटरशिप एंड काउंसलिंग सपोर्ट, यानी सबसे बहुत बड़ा ये मुद्दा है आप लोग का, अगर मान लीजिए 5 नंबर 10 नंबर कम रहता है तो भी बच्चों को हम लोग इस बार एडमिशन करवाए हैं, क्योंकि हमारे पास काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलता है, मेंटरशिप मिलती है, कितने नंबर आप लोगे तो आपको एडमिशन हो जाएगा, कितनी कट ऑफ तक आप लोग वेट करोगे आपका एडमिशन हो जाएगा, वो पूरा सपोर्ट हम देते हैं, अपने एंड से देते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, मेंटरशिप का तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि भाई फॉर्म कब आएगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या प्रोसेस होता है, कैसे काउंसलिंग होती है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सब कुछ भूल जाओ, वो आपकी टेंशन हमारी टेंशन। ठीक है, बस यही आप मांग चलो। यहाँ पे दी कंप्लीट कोर्सेज एक्सेस, यहाँ जो क्लियर लिखा गया है अंटिल दी एग्जाम, यानी कि जो कंप्लीट जो कोर्स रहेगा, ये पूछो कि सर कब तक कोर्स रहेगा, मैं एक बार कोर्स ले लूँगा तो ये कोर्स कब तक मेरे मोबाइल में रहेगा, तो पहले मैं क्लियर कर दूँ कि ये कोर्स आप लोग के एग्जाम तक, यानी लिखा है ना अंटिल दी एग्जाम 2023, यानी जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तब तक ये आरंभ बैच आपके मोबाइल में रहेगा 24x7 24 घंटा में 7 दिन में, जब चाहो जितनी बार चाहो टेस्ट दो, जितनी बार चाहो आप PDF पढ़ो, वीडियो क्लासेस पढ़ो, जब तक आपका जून में एग्जाम होता है, जुलाई में होता है, आपका जो बैच रहेगा आपके पास रहेगा, दोबारा आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम यहाँ पे 28 दिसंबर, यानी कि यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि 28 दिसंबर से जो क्लासेस होंगी वो शुरू होंगी। ठीक है, आप जो बता दें कि जो 28 दिसंबर जो क्लासेस होंगी वो डेली बेसिस पे आपको लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा, तो इंतजार बिल्कुल भी मत करना, समय बिल्कुल मत देना कि मैं अगले महीने ज्वाइन करूंगा, 10 दिन बाद ज्वाइन करूंगा। अगर आपको पढ़ना है, आपको डेडिकेटेड हो DDU में पढ़ने के लिए, तो आपको ये अच्छा ऑप्शन है। DDU विश्वविद्यालय बहुत आपको ऑप्शन देता है, मतलब पढ़ाई तो अच्छी होती है, फैकल्टी भी अच्छी आपको यहाँ मिल जाएगी, साथ ही साथ आप लोग को बहुत ही मिनिमम कास्ट में आपके जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब जो अगला पॉइंट आता है कि सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे रिजल्ट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत सारे रिजल्ट हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाए, उन बच्चों से क्षमा चाहेंगे, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो अंदर अंदर ही बोल रहे होंगे कि सर मेरा फोटो तो लगाया ही नहीं, मेरे बारे में बताया ही नहीं, जबकि मेरी पहली रैंक है, मेरी दूसरी रैंक थी। ठीक है, तो बस यही है कि प्रयास ही छोटा सा था कि जो अभी नए बच्चे हैं वो प्रूफ मांगते हैं, क्योंकि उनको भरोसा अभी क्या, सब उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारे लोग उनके सामने बताने वाले होंगे, तो एक जो आपको भरोसा होता है, जो आपको विश्वास आपका जमाना ऐसा है कि सर पहले पहले आप लोग देखते हो सारी चीज़ें, उसके बाद आप जज करते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हमारी कम्युनिटी देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, वेबसाइट देख लो, हर जगह जो आपके रिव्यू होंगे स्टूडेंट के वो मिल जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये रिव्यू, अब जैसे जो रिजल्ट देख रहे हो, ये रिजल्ट कैसे होते हैं, यानी आपके गुरु कौन है, यानी कि कौन आपको तैयारी करवाएगा, क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, मैं लीगल पढ़ाऊंगा, नहीं, आपको हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी यहाँ पे दी जाती है, जो स्पेशलिस्ट फैकल्टी होती है वो आपको यहाँ पे दी जाती है। मतलब क्या कि यहाँ पे आपको प्रयाग सर रहेंगे, रोहित सर रहेंगे, यहाँ पे आपको DK सर रहेंगे, मैम, यानी कि जितने टीचर जो इतने सब्जेक्ट आपके होंगे उतने सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक, जैसे एक तरह समझो जो टीचर है ना, ये अपने आप में एक, मतलब एक जो
परिपक्व है, मतलब कि मेच्योर है कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो जो ये बता देंगे बस वो फॉलो कर लो, एंट्रेंस निकल जाएगा। क्योंकि जैसे अमृतसर है, इन्होंने DDU BCOM में फर्स्ट रैंक ला के अपने आपको प्रूफ किया है। बैंकिंग इंश्योरेंस में यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखेंगे सिद्धार्थ सर, इन्होंने अपने आपको प्रूफ किया है। ज्योति मैम अपने 4 से 5 साल पहले BCOM को टॉप कर, BSc को टॉप कर चुकी है। यहाँ प्रयाग सर हैं, आप देख सकते हो। रोहित सर हैं यहाँ पे, आप जानते हो कि जो आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे टीचर जो हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे और आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे थे सर कि सबसे पहले बात कर लेंगे, अब सारी चीज़ें फीचर देख लिया आपने, टीचर्स को देख लिया, बैच आपको सारे समझ में आ गया क्या चीज़ें मिलने वाली क्या नहीं मिलने वाली हैं। आपने देख लिया कितना वैल्यूबल है, कितनी मेहनत लगेगी, कितना कंटेंट हम लोग देने वाले हैं बच्चों के साथ मिलकर, कितना मेहनत करने वाले हैं। लेकिन अब बोलोगे सर इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, तो प्राइस देखोगे तो पहले तो एक बार आप लोग, मतलब पहले देखो सपने में नहीं हो, जो प्राइस यहाँ पर लिखी गई है ये वास्तविक यही प्राइस होने वाली है, ठीक है। इससे मिनिमम जो प्राइस है, इससे मिनिमम जो प्राइस आपकी है ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ। मैं पूरी गारंटी मेरे अंदर जो, मतलब एनर्जी मैं कैसे आपको बताऊं कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूं ना इससे 100% या 2 इयर्स 3 इयर्स करके मैं आपको दूंगा। जो फीचर जो बेस्ट लीटर मैंने बताया हुआ है वो फीचर अभी कुछ नहीं है, वो तो मैंने बस बच्चों को दिखाने के लिए बता दिया भाई बस ये मिलने वाले हैं। उससे एक्स्ट्रा कितना हम लोग देने वाले वो हमें पता है। टॉपर जो बच्चे टॉप किए उनका इंटरव्यू, उनकी गाइडेंस, उनकी सारी चीज़ आपको मिलने वाली है बैच के अंदर। चलिए जल्दी से बात कर रहे थे कोर्स के प्राइस के बारे में। तो BA का जो कंप्लीट सिलेबस बैच होगा, मतलब इसमें सब कुछ जो बताया ना मैंने, टेस्ट, अगर एक्स्ट्रा कोई बैच MCQ बैच हम लोग लाते हैं, कोई भी बैच हम लोग लाएंगे, दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना। कोई भी नया बैच आएगा तो आपको इसी बैच के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी बच्चा का कोर्स ले लिया है दोबारा उसको कोई कोर्स नहीं लेना, ठीक। तो BA का जो कोर्स है वो 799 का है, ठीक है। यहाँ BSc का जो कंप्लीट कोर्स मिलेगा ये आपको 799, यहीं पे आपका BCOM का कोर्स लेना है 799, BA LLB करना है 799, BBA BCA का 799, और जितने बच्चे हमारे MCOM और BTEC के हैं उनके लिए 899 कोर्स की प्राइस रखी गई है, ठीक है। मतलब जो कोर्स की प्राइस है ये इतनी मिनिमम है, इतने में आप लोग अगर एंट्रेंस की बुक लेने जाओगे तो आपको फिजिक्स की बुक लेनी पड़ेगी, केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी, फिजिक्स लेना पड़ेगा, तो आप बुक लोगे तो आपका 1000 रुपया प्लस चला जाएगा केवल बुक लेने में, आपको कोई गाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो बच्चा अभी तक इंतजार कर रहा था कि अभी बैच आएगा तो मैं ज्वाइन करूंगा, एक भरोसे के साथ वो रुका हुआ था, तो उस भरोसे का वो उसको यहाँ पे जरूर जो बोनस है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो बैच है इसकी प्राइस कम नहीं होती है, पहले बार सुन लेना। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ पे क्लियर है कि मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे जो भी बच्चे हैं अभी कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो जो कोर्स बच्चे लेंगे उनके कोर्स में सबसे अच्छी बात ये होगी कि 26 नवंबर तक, ठीक है, 26 नवंबर तक आप लोगों को कोई भी कोर्स यहाँ से उठाते हो, कोई भी कोर्स आप ले लेते हो, आपको जो कोर्स मिलेगा वो जस्ट मिलेगा 699 में। यानी कि आपको BA करना है, BCOM करना है, BA LLB करना है, MCOM, BTEC, BA या फिर LLB या फिर BSc बायो एग्रीकल्चर मैथ कुछ भी करना है, तो आपको सारे जो कोर्सेज होंगे वो जस्ट 699 मिलेंगे। कब तक? 26 नवंबर तक। आप आरंभ जो कोड है कूपन कोड यूज करेंगे आपका जो कोर्स की प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 699 रुपये। 699 में सभी कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक। उसके बाद जैसे ही आपका 26 से जैसे ही आपका 27 तारीख होगा, जैसे 27 नवंबर आए, सर नवंबर नहीं दिसंबर है ना सर, दिसंबर, सॉरी यहाँ पे आप दिसंबर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुई, PPT बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, तो आपको मैं बोलूंगा कि 26 दिसंबर तक सारे कोर्सेज आपको 699 मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे 27 दिसंबर होगा आपके सारे कोर्सेज जो होंगे वो अपनी जो रियल प्राइस है उस पर आ जाएंगे, यानी ऑफर आपका खत्म हो जाएगा, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, और 799 और 899 में सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब सर बोलोगे सर मजा आ गया, मतलब प्राइस देख के मजा आ गया, और सर यहाँ पे जो आपने बताया ना उसको देख के मजा आ गया, मतलब बैच के प्राइस वगैरह सब कुछ ठीक है, बैच भी ठीक है, जो मुझे चाहिए था वो आपने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये बैच में एक्सेस कैसे करेंगे? क्या मुझे डेमो क्लासेस भी मिलेंगी? क्या मैं पहले देख सकता हूँ ये चीज़ें कैसी पढ़ाई जाती हैं? अगर मुझे पसंद आएगा तभी मैं ज्वाइन करूँगा। तो बिल्कुल हमारे यहाँ जो बच्चों को जो ऑप्शन देना चाहिए, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ पूरी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आपको कुछ नहीं करना, टारगेट गुरुकुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लेना, ठीक है, प्ले स्टोर से या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको पूछेगा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर सेमेस्टर की, तो आपको क्या करना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है। एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधे आपको पेड कोर्सेज पे क्लिक कर देना। क्या क्लिक करना है? पेड कोर्सेज पे आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, पेड कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, या व्यू डेमो लिखा होगा, व्यू डेमो जैसे ही क्लिक करोगे ना आपकी जो हर सब्जेक्ट की 2 से 3 क्लासेज 4 क्लासेज आपको डेमो में पड़ी हुई मिलेंगी,
मतलब वहाँ से पहले देख लो कि कंटेंट कैसा मिल रहा है, पीडीएफ कैसा मिल रहा है, अच्छे टीचर पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वहाँ से जाके आप जैसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो कोर्सेज होंगे वो अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे आप परचेज कर सकते हो, ठीक। लेकिन इसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आपको आती है, कोर्स लेने में कोई दिक्कत आती है, तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे 7307242267, ठीक है, ये पूरा व्हाट्सअप नंबर आपका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर हम दे देंगे, वहाँ से भी व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट कर लेना। व्हाट्सअप में आपको जो भी आपके डाउट रहेंगे, जो भी आपके समस्याएं रहेंगी, वो सब कुछ हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद करेंगे जो भी बैच की डिटेल थी, जो आपके इंतजार था, वो पूरा खत्म होता है। जो भी चीज़ें थी हमने आपको क्लियर बता दी हैं। अगर इसके बाद भी कुछ अगर बैच के बारे में जानकारी लेनी है, जब आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन पे हेल्प का ऑप्शन है, वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके मन में डाउट है, समस्याएं हैं, वो सब कुछ हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 26 दिसंबर तक उम्मीद है कि आप लोग कोर्स में इनरोल कर लेंगे। उसके बाद अगर इनरोल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही है कि जो डिस्काउंट है वो नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। और एक बात याद रखना कि अगर आपको मन में इच्छा है, अगर आप में अगर उत्सुकता है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, मुझे एंट्रेंस क्रैक करना है, मुझे एडमिशन लेना है किसी भी कीमत पे, तभी आप लोग बैच के अंदर आना है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए लाइक करना, अगर बैच कैसा लगा उसके बारे में जरूर, जो अगर पुराने बच्चे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू।